हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। कैसे हो आप सब? मैं हूं पूनम और आज मैं बनाऊंगी प्याज का अचार, जो बहुत ही टेस्टी लगता है और गर्मियों के मौसम में प्याज का अचार बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज मैं बनाने जा रही हूँ ऑनियन का अचार, प्याज का अचार, जो बहुत ही टेस्टी बनता है और गर्मियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ठंडा भी रहता है खाने में। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लगभग 300 ग्राम के जितना प्याज लिया है। वैसे तो आप अगर मार्केट में आपको अगर इस तरह का प्याज मिल जाए, बहुत ही छोटा वाला इस तरह का, तो आप उसे परचेज़ कीजिएगा। इसका अचार बहुत टेस्टी बनता है। तो मेरे पास थोड़ा ये वाला है, या फिर आप इस साइज़ का भी ले सकते हो और आप इस तरह से उसके चार टुकड़ों में उसे इस तरह से काट भी सकते हो, या फिर आप इस तरह का इस साइज़ का भी आप ले सकते हो इस साइज़ का, और इसे के दो टुकड़ों में भी इसे काट सकते हो। मैंने आपको प्याज बता दिया, ये तीन साइज़ का प्याज है, एक ये वाला इस तरह से काट कर और इसके दो टुकड़े करके इस किसी भी तरह से आप अचार को बना सकते हो। और मैंने यहाँ पर इस साइज़ का अचार लिया था, मैंने इसके चार टुकड़े कर लिए हैं। कुछ कुछ मैंने यहाँ छोटे इस तरह से भी रखे हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं रेसिपी को। प्याज का अचार बहुत टेस्टी बनता है, तो मैंने इसके लिए यहाँ पर एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लिया है और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं। इसमें मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर सौंफ लिया है और 1/2 चम्मच के जितना मैंने यहाँ कलौंजी लिया है, जिसे हम प्याज का बीज भी बोलते हैं। उसके साथ साथ मैंने यहाँ 1 चम्मच के जितना ये सरसों लिया है, मस्टर्ड सीड। आप चाहे तो अगर आपके पास इस तरह का वाइट वाला सीड मस्टर्ड सीड है तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर लाल मिर्च लिया है, ये 1 चम्मच के जितना है, और 1/2 चम्मच के जितना मैंने यहाँ हल्दी पाउडर लिया है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ 4 हरी मिर्च ली है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है अचार तो आप हरी मिर्च डालिएगा, नहीं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर फॉर्चून का सरसों ऑयल यूज़ करूँगी। मैं ये लगभग 1 बड़ा चम्मच के जितना ही यूज़ करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, बनाते हैं अचार। इसलिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल लिया है, मैं इसमें प्याज को ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसके साथ साथ इसके ऊपर मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, मिर्च ऐड कर दूँगी, नमक ऐड कर देंगे, और ये जो मेरे पास कलौंजी है प्याज का भी, इसे भी ऐड कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए जो ये सरसों है और जो ये सौंफ है, अब हम इसे इस ओखली में हल्का सा दरदरा कूट लेंगे। तो मैं इसे इन दोनों चीज़ों को दरदरा कूट लेती हूँ। मैं इन दोनों को अच्छे से दरदरा कूट लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दरदरा मैंने इसे पीस लिया। अब हम इसे कटोरी में फसल करके दिखाती हूँ। ये लगभग 2 चम्मच के जितना है और ये इस तरह से पीसा गया है, ये देखिए। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ हरी मिर्च लिया था, कि मैं इस तरह से लंबे लंबे इसमें से इसमें ऐड करूंगी। आप अगर आपको पसंद है तो ही आप ऐड कीजिएगा, वरना आप अवॉइड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, मिर्च मैंने काट कर डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं इसमें ऐड करूंगी ये सरसों का तेल। मैंने यहाँ पर ये एक कड़छी लिया है, मैं इस कड़छी से नाप कर सरसों का तेल ऐड करूँगी। मैंने देखी यहाँ पर एक कड़छी और ये लगभग 1.5 कड़छी के जितना मैं यहाँ पर सरसों का तेल ऐड करूँगी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा अचार दिखने में ही कितना सुंदर दिख रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप ट्राई कीजिएगा, टेस्टी बनेगा। और अब हम इसे आप इसे चाहे तो किसी भी कांच की बोतल में भर सकते हो। मैं इसे इसके अंदर रहने दूंगी और इसे लगभग 2 दिन तक मैं धूप दिखाऊंगी।
और उसके बाद आप इसे आराम से 10 दिन तक यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, अचार बनकर हमारा रेडी हो चुका है। अब आप इसे 2 दिन तक धूप में रखिएगा, उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो। और आप इसे लगभग 10 दिन तक इसे खा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा दिन तक इसे खाना है तो आप इसे एक कांच के बर्तन में भर लीजिएगा और उसे फ्रिज में रख दीजिएगा, तो आप इसे 1 महीने तक भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, देख बताइएगा मुझे आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।